अरे सचिन, यहाँ उधर वॉशरूम में कितनी बदबू आ रही थी, नहीं? हाँ यार, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। वॉचमैन ने कहा जहाँ से बदबू आ रही है सूंघते सूंघते चले जाओ, वॉशरूम अपने आप मिल जाएगा। सच में? मतलब इस 100 ml सूसू के लिए हम ये बाल्टी भर पानी बहा देते हैं। एक यूरिनल के पीछे एक साल में लगभग 50,000 से 1.5 लाख लीटर तक पानी हम वेस्ट करते हैं। एक तरफ हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोगों के पास पीने तक पानी नहीं है। इस बदबू और गंदगी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। पानी फ्लश करते हैं, कई अलग अलग तरीके के केमिकल क्लीनर्स यूज करते हैं, फ्रेग्रेंसेस तक यूज करते हैं, लेकिन बदबू वहीं की वहीं रह जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ये सैनिटेशन सिस्टम है ये मौत की कगार पर है। और शार्क्स जब मौत आती है तो हम क्या करते हैं, CPR देते हैं, राइट? यही काम हम हमारे जीरो डोर प्रोडक्ट्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सचिन और मैं मुंबई से हूँ। और मैं हूँ उत्तम बैनर्जी और मैं अहमदाबाद से हूँ। हम दोनों फाउंडर्स हैं जीरो डोर के। शार्क्स इन प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के थ्रू हम हमारे सैनिटेशन सिस्टम को एक CPR देने की कोशिश कर रहे हैं। CPR मतलब कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर। कंजर्व, जहां हमने एक ऐसा यूरिनल बनाया है जिसमें ना तो पानी यूज होता है और ना ही कोई बदबू आती है। प्रोटेक्ट, जहां हम हमारे जीरो डोर केयर के क्लीनिंग सॉल्यूशंस के थ्रू जो नेचुरल हैं, हम अपने वाटर बॉडीज को कंटामिनेट होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रह सके। और रीस्टोर, जहां हम हमारे स्पेशली फॉर्मुलेटेड बैक्टीरियल कल्चर्स के थ्रू सीवेज को ट्रीट करते हैं और उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट्स रिकवर करते हैं ताकि हम इसको नदियों में जब ये छोड़ें तो वो उसको पल्यूट ना करें। अब तक हमने 30,000 से भी ज़्यादा जीरो डोर वाटरलेस यूरिनल्स इंस्टॉल किए हैं और इसके जरिए सेव किया है 100 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी। हम दिल से ये मानते हैं कि अगर जल है तो कल है, और इसी फिलोसॉफी को हम हर घर तक पहुँचाना चाहते हैं। शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीज़ और 3% ऑफ अर्निंग। तो शार्क्स, बदबू भगाओ, पानी बचाओ और हर टॉयलेट में जीरो डोर लगाओ। सचिन, उत्तम, आपका शार्क टैंक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने इसकी शुरुआत पानी बचाने से की कि स्मेल कम करने से की? इसकी शुरुआत एक्चुअली मेरी शादी हुई उसके बाद हुई। तो मैं एक झारखंड के एक बहुत ही छोटे से गांव में पला बढ़ा, मिट्टी की घर, यू नो, फुल ग्रीनरी, बहुत ही खूबसूरत सी नदी, तो उस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे, लेकिन टॉयलेट्स नहीं थे। तो जब शादी हुई 2010 में, तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि गांव चलो, मैं तुम्हें गांव घुमाता हूँ, बहुत खूबसूरत है। द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड कि टॉयलेट है क्या वहाँ पे? एंड मेरा जवाब सुनते ही उसने बोला कि नहीं, अगर टॉयलेट नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। जब वहाँ पे मैं अकेले पहुँचा तो वो जो बचपन की खूबसूरत यादें थी जिनमें टॉयलेट्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सारे चेंज हो गए। नदी काफ़ी अलग हो चुकी थी, यू नो, घर पे टॉयलेट्स थे लेकिन लोग यूज़ नहीं करते थे, लोगों को बहुत इन्फेक्शंस वगैरह हुए थे, तो उन्होंने उसको एज अ स्टोरेज बना रखा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ करके ये स्टार्ट करूँगा, सैनिटेशन के ऊपर कुछ मीनिंगफुल काम करूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने शुरुआत कब करी? 2013 में शुरुआत करी। एक चीज बताओ, ये है क्या? मेरे को अभी जैसे मैं यहाँ समझ रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या है? मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अभी ये एक यूरिनल एक बार में तकरीबन 1.5 लीटर से 2 लीटर, कुछ कुछ जगह पे 3 लीटर भी पानी फ्लश करता है। जब यूरिन यहाँ से फ्लो करता है तो ये नॉर्मली एक थ्रू एंड थ्रू ड्रेन होल से कनेक्टेड होता है ये यूरिनल पैन। तो यूरिन के पास होने के बाद ड्रेन लाइन में जब यूरिन ड्राई होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है विच रिलीजेज अमोनिया। तो अमोनिया ही है वो बदबू जो हमको एक्चुअली फील होती है, और वो अमोनिया को एक पैसेज मिल जाता है वापस वॉशरूम में आने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा रेट्रोफिट अरेंजमेंट बनाया है जो किसी भी कन्वेंशनल नॉर्मल कमर्शियली अवेलेबल यूरिनल में ये फिट हो जाता है, और इसके अंदर एक मैकेनिज्म है जो बेसिकली एक वन वे पैसेज क्रिएट करता है। तो ये यूरिन को तो ड्रेन लाइन में फ्लो होने देता है लेकिन जो गैसेस वगैरह जनरेट होती है उसको ये वापस नहीं आने देता। सो दैट्स हाउ इट क्रिएट्स अ ऑडरलेस एनवायरनमेंट, और उसके वजह से पानी की जरूरत नहीं पड़ती। यू पुट दिस, ये जो आपका प्रोडक्ट हाथ में, आप इसको इसको हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूरिनल में लाते हैं और ये एक बार इंस्टॉल कर लिया तो ये रिप्लेस नहीं करना पड़ता। रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसकी लाइफ कितनी होती है? ये अभी जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं ऑलरेडी, वो लगभग 10-12 साल से ऑलरेडी चल रहे हैं। इनफैक्ट इसकी लाइफ खत्म होने से पहले लोगों को पैन रिप्लेस करना पड़ जाता है। पर इसमें काफी ब्रांड्स के आते हैं वाटरलेस यूरिनल्स। जो भी कंपटीशन में आप प्रोडक्ट्स देखेंगे उनमें एक जेल होता है, और वो जेल धीरे धीरे वॉश अवे हो जाता है बिकॉज आप यूरिनेट करते हैं, क्लीन भी करते हैं, फिर वो एक कार्ट्रिज आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। दैट बिकम्स अ रिकरिंग कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर। उनकी इफेक्टिवनेस और आपके में डिफरेंस है? हमारी एक्चुअली उनसे काफी ज्यादा बेटर है।
अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो नॉर्मली जो हम अमोनिया इनहेल करते हैं या फील करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 15 टू 20 ppm होती है पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन इस केस में इसकी एफिशिएंसी अराउंड 0.1 ppm है। दिस मैकेनिज्म इज आपका पेटेंटेड है? ये पेटेंटेड है। तो ये जो आपने इस तरफ देखा ये मेल के लिए था, राइट? वुमेन के लिए चैलेंजेस अलग आती हैं। फर्स्ट इज जो हमारा पोस्चर है, वी मोस्टली स्टैंड एंड पी, राइट? बट वुमेन दे हैव 2-3 डिफरेंट पोस्चर्स। हम लोगों ने मैकेनिज्म को मॉडिफाई किया एंड ये पूरा का पूरा एक पैन हमने डिजाइन किया जो अर्गोनॉमिकली काफी कंफर्टेबल है स्पेसिफिकली फॉर यूरिनेशन, और इसके अंदर भी एक ओडर कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है, और ये बेसिकली वो मैकेनिज्म है। जैसे ही यूरिन इसके अंदर जाता है ये इस तरीके से फ्लैप इसके ओपन होते हैं, राइट? एंड यूरिन जाने के बाद ये वापस ऐसे क्लोज हो जाता है एंड देन इट ब्लॉक्स द ओडर। अगर आपको जैसे कॉर्पोरेट बाथरूम में लगाना है तो आपको ये विमेन की यूरिन के लिए अलग लगाना पड़ेगा, डेफिकेशन के लिए अलग लगाना पड़ेगा, करेक्ट? जी। तो स्पेस आपकी दुगनी यूज होगी। जी। मेरे हिसाब से आप इसको नहीं अपने कोर उस पे फोकस करो, नहीं तो फिर सारी प्रॉब्लम उस पे आ जाएगी। ये तो भी आपका एक न्यू इनोवेशन आपने कर दिया है। और ये क्या है जो ये प्रोडक्ट्स पड़े? जो कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। बट आपने 10 साल पहले जब स्टार्ट किया था इन दोनों के साथ किया, ये कब स्टार्ट किया? ये हमने 2018 के बाद इस पे काम करना चालू किया, और ये स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि जब हम टॉयलेट में काम कर रहे थे तो हमें दो और मेजर प्रॉब्लम पता चले, एक तो क्लीनिंग का और दूसरा क्लीन होने के बाद जो भी वेस्ट निकलता है वो स्लज जहाँ पे भी जाता है उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से हमने फिर कंप्लीट एंड टू एंड सैनिटेशन के सिस्टम में एक सोल्यूशन देने का वो भी बनाया है। जी। वो कहाँ है? ये जो कल्चर्स हैं ये बैक्टीरियल कल्चर्स हैं। ये भी बना दिया, बहुत बढ़िया। इसका जो कस्टमर है वो तो एक ऑफिस होगा, उसको ये जो आपका गैजेट है ये कितने का पड़ता है, और ये जो आप कार्ट्रिज है वो कितने की पड़ती है, कितनी फ्रीक्वेंटली रिप्लेस होती है, तो कॉस्टिंग का क्या फर्क है? अगर आप कार्ट्रिज सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 15,000-20,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। हाँ, ये है कि उसमें आपको पैन भी साथ में मिलता है। और ongoing cost अप्रोक्सीमेटली 2,000-2,500-3,000 अलग अलग टाइप के पर कार्ट्रिज। कितनी बार रिप्लेस करनी पड़ती है? ऑलमोस्ट मंथली आपको या बाय यू नो सो अबाउट 20,000 आई विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली। यस। और इसमें हमारे पास दो वेरिएंट है, प्लास्टिक और एक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील वेरिएंट प्राइस्ड है 5,000 पे और ये प्लास्टिक वेरिएंट प्राइस्ड है 3,000 पे। जिस हिसाब से प्राइस डिफरेंस आप बता रहे हैं तो इसका मतलब तो हाफ ऑफ इंडिया वुड बी योर कस्टमर नाउ, राइट? अभी हमारे ऑलमोस्ट 700 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। मैम एडलवाइज भी एक वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। एडलवाइज आपका क्लाइंट है ना? टाटा ग्रुप, देन वी हैव नाउ PVR एंड आइनॉक्स इज ऑल्सो टाइंग अप विद अस। उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सो धीरे धीरे डिप्लॉय हो रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स है, वी हैव DCB बैंक, DHL। आपने उनको एक बार 5,000 रुपए का ये सोल्यूशन दे दिया है, अस्यूमिंग कमर्शियल में लोग स्टील का ही लगाते होंगे, तो उसके बाद तो अब आपका बिजनेस खत्म हो गया उनके साथ, राइट? इट इज वन टाइम। उसके साथ बहुत बार ड्रेन लाइन क्लीनर्स और बाकी के प्रोडक्ट्स एज अ एड ऑन जाते हैं। ये आपने अभी इसीलिए ये वाले कैटेगरी में आप घुसे हैं क्योंकि रिकरिंग इनकम नहीं थी। ये रिकरिंग। थोड़ा मार्केट के बारे में बताएंगे? तो इंडिया में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का मार्केट है कार्ट्रिज वाले वाटरलेस यूरिनल्स का। 16,000 करोड़ का मार्केट साइज है आपका, तो मार्केट जो आप बना रहे हो वही हुआ ना? यस यस। सेल्स बता दो। एक्चुअल रेवेन्यू जनरेशन इन वाटरलेस यूरिनल हमारा 17-18 से शुरू हुआ, तो 17-18 में हमने 1.96 CR का सेल किया, 18-19 में वो 2.1 CR पे चढ़ गया, फिर 20-21 में फिर से लॉकडाउन की वजह से थोड़ा गिरा और 1.6 पे आ गया, 21-22 में हमने फिर से 2.1 CR किया और 22-23 में हमने 2.8 CR किया। थोड़ा नफा भी बताएंगे जरा? लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिटेबल था, अबाउट 7% के आसपास का नेट प्रॉफिट था, 15 लाख के आसपास, 18 लाख के आसपास प्रॉफिट था हमारा। 10 साल में लगा के आपने 2.5 करोड़ का धंधा ही तो बनाया, इतना स्लो क्यों बढ़ रहा है बिजनेस? आपका तो कॉस्ट सेविंग इतना सारा है, 5,000 रुपए वन टाइम वर्सेस 15,000 रुपए पर साल, आपका तो बहुत बढ़ना चाहिए बिजनेस। जी राधिका और पीयूष, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला ये कि जब हमने स्टार्ट किया था तब वाटरलेस यूरिनल का मार्केट पोटेंशियल इतना नहीं था क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी। आपका तो एक कॉर्पोरेट 500 टॉयलेट में ही 25-30 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा। हमारी बिल्डिंग में मुझे लगता है 500 टॉयलेट होंगे। तो आपका तो हर कॉर्पोरेट से किसी से 25 लाख, किसी से 1 करोड़ का रेवेन्यू होगा, आपका टोटल रेवेन्यू 2 करोड़ आ रहा है, समथिंग इज नॉट एडिंग अप। सो बेसिकली क्या हुआ कि हमारी सेल्स ग्रो हो रही थी बिफोर कोविड, एंड देन कोविड का जो फेज आया
उसमें B2B के इम्पैक्ट की वजह से हमारे केस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि B2B धीरे धीरे रिवाइव हुए, लेकिन उनका जो फोकस था कि वो सैनिटेशन सेक्टर में या वाटर सेविंग या सस्टेनेबिलिटी के केस में इन्वेस्ट करेंगे, वो काफ़ी लेट आया। वो इनफैक्ट लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत ऊपर आने लगा है, और अभी आज इस साल के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने अराउंड 2.3 करोड़ विदाउट टैक्सेस कर लिए हैं। बट इससे आई डोंट अग्री, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो 16,000 करोड़ का मार्केट है, तो कितनी भी फास्ट ग्रो कर रहा हो ये मार्केट, फिर भी 5 साल पहले ये मार्केट एटलीस्ट 7-8 हज़ार करोड़ का तो होगा, तो आप क्यों नहीं और तेज बढ़ पाए? हमारे पास वो उस टाइम पे रिसोर्सेस नहीं थे कि हम उस तरीके से डिप्लॉय कर पाए। नहीं, रिसोर्सेस में प्रॉब्लम क्या होता था? मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक था कि सेल्स नहीं होती थी, या वर्किंग कैपिटल, या फिर वो ये था कि इसकी वजह से बढ़ा, ये जो हमने प्रोडक्ट शुरू करे इसकी वजह से बढ़ा। जो क्लीनिंग सॉल्यूशंस हैं उसने भी काफी कंट्रीब्यूट किया। स्प्लिट क्या है? तीनों वर्टिकल्स का ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइड है, 33% एवरीवन। इसका बिजनेस तो 10 साल में 80 लाख का ही बना। वही तो सर। पर आपके पास तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं बड़े बड़े बैंक्स के आप नाम देने, मुझे समझ नहीं आ रहा 80 लाख का बिजनेस बना इस चीज का बस। यस, नहीं इस साल अभी तक लास्ट 6 महीने। हाँ, मतलब वो 16,000 करोड़ में आपका 0.005% का मार्केट शेयर है, तो मतलब सही नहीं लग रहा है, तो क्यों? दाल में कुछ काला है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो पानी बचाने का जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, इसकी अवेयरनेस। डिसएग्री, वाटरलेस बड़ा है मार्केट, तो वो वाटर सेविंग के लिए ही तो है ना। आप एक बात बताइए, आप जब डेमो करते हैं किसी कॉर्पोरेट को, उसके बाद आपका कन्वर्जन रेट क्या होता है? पूरे कन्वर्जन की मैं बात करूं तो इट्स अराउंड 6 to 8 months। कैश कितना आपके पास आज? कैश अराउंड 80 लाख के आसपास है। आपने कोई कैपिटल रेज किया पहले? कैपिटल रेज किया है। कितना रेज किया? 2 करोड़। ये हमने 2016 में रेज किया था। कितना ओनरशिप दिया आपने? हमने 15%। आप दोनों के पास कितना कितना है? मेरे पास 42.73 है, मेरे पास 35%, एंड IIT दिल्ली है जिसके पास 4.25% है। हम वहाँ पे इंक्यूबेटेड थे, पीछे लिखा है कुछ। हम वहाँ पे इंक्यूबेटेड थे 2013 से 2015, और एक मेरे मेंटर हैं, एडवाइजर हैं, और शुरुआती दिनों में उन्होंने भी हमें हेल्प किया था फाउंड करने में, तो उनके पास 3% है। ही इज अ प्रोफेसर एट IIT दिल्ली। तो 2016 से 2023 तक आप इन्वेस्टर्स के पास गए ही नहीं? नहीं। आपको नहीं लगता कि आप में जो जिन्होंने 2 करोड़ डाले थे उनका अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहुंच गया है 5 करोड़ पे, तो उनको थोड़ा कुछ एग्जिट या कुछ पे बैक करने का जरूरत है? बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल है। तो वो प्रेशर नहीं फील होता? बिकॉज ऐसे मुझे तो ऐसा, जब मैं फंड रेज करती हूँ उसके बाद ऐसा वो यू नो एक क्लॉक स्टार्ट हो जाता है, टिक टॉक। ये हमने म्यूचुअली डिस्कस किया था इन्वेस्टर्स के साथ ही, और हमने यही डिसाइड किया है कि लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द नंबर्स, कि पॉजिटिव फिगर्स अचीव किए जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेज अगेन। देखिए, मैं आज इससे बाहर हूँ, मुझे ना अभी भी समझ नहीं रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, और इसलिए मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है। अगर कोई भी बिजनेस जो 7 साल 2 करोड़ एक इन्वेस्टर के लेके बैठा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई है बहुत बड़ी। तो आई विश यू द बेस्ट, आज के लिए मैं बाहर। थैंक यू। मुझे टॉयलेट इस प्रेम खत्म है, कोई प्रेम नहीं आ रहा, मैं आउट हूँ, और अपना धंधा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, थोड़ा मज़ा नहीं आया। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपके पास वाटरलेस यूरिनल है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट है विमेन का, और तीसरा आप ये बाकी प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में है जो एक D2C FMCG प्रोडक्ट है, इसमें आप हार्पिक हैंड वॉश है मेरे साथ, किन किन के साथ कम्पीट कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से आप, अगर आपका विनर प्रोडक्ट है तो वो ये है वाटरलेस यूरिनल, आप इस पे सिर्फ फोकस करके इसको बढ़ाइए। मैं आउट हूं। मुझे लगता है कि आपने अपने बिजनेस का ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया। आप पिक करिए कोई एक और उसमें कहिए मैंने ना 1,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है जी। फिर आप देखना कि सब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, जितने आपके आसपास में आपको वो बिजनेस बनाने के लिए, पर आज के दिन में वो अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है, उसके कारण मैं आउट हूँ। जिस दिन आपका फाइनलाइज हो जाए आप प्लीज मुझे रीच आउट करिएगा, आई विल ट्राई एंड सपोर्ट। श्योर, थैंक यू रितेश। मेरे को क्या लगता है ना कि आपका जो पर्पस एंड पैशन बहुत अच्छा था, आपने शुरू में आके बोला, स्टोरी बताई आपने कि आप विलेज में थे, प्रॉब्लम है वाटरलेस यूरिनल की भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, और कहीं ना कहीं डेप्थ भी है आपके डिजाइन में, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत हैं, तो आई थिंक यू नीड अ थर्ड पर्सन जो सेल कर पाए। दैट इज पीयूष। नहीं, दैट विल नॉट बी मी, यू विल हैव टू हायर। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, एंड मेरी एक कंडीशन है, आपको बाकी बंद करना पड़ेगा। ये जो है ये बिजनेस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। I am only interested in your 1 crore business which has happened this year, which I am assuming will become 2 crore.
डबल कर देंगे H2 में जाके, तो 2 करोड़ का रेवेन्यू मैं आपका कंसिडर कर रहा हूँ। माई ऑफर इज 1 करोड़ 10%। ओनली 2 conditions, वो फिनिश द अदर बिजनेस, गेट अ CXO। थैंक यू सो मच पीयूष फॉर द ऑफर। इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ फॉर 10%, कैन वी डू 1.5 करोड़ फॉर 10%? नो आई कैन नॉट। सी योर करंट बिजनेस, 2/3 ऑफ द बिजनेस आई एम शेविंग अवे। Or else then 1 crore for 6.5%. एक ही ऑफर है, इट इज एन ऑफर टू सपोर्ट दिस कॉज एंड मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। So, thank you so much for the offer. But I don't think कि हम ये accept कर पाएंगे. ठीक है, that is your choice. But best of luck. Thank you so much. Keep on building, keep on saving water. Thank you, Sachin. Thank you.